हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दीपक जी जी के मास्टर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में फॉर्म भरने में एक जो सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं बच्चे, या गलती कर देंगे जो इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर्म की लास्ट डेट में फॉर्म भरेंगे, उनके लिए ये सूचना है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको फॉर्म लास्ट में या फॉर्म के आखिरी समय में भरेंगे, तो आप चूक सकते हैं इस भर्ती से। तो वो भर्ती की क्या जानकारी है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जब भी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें सारी लेटेस्ट जानकारी उनको मिल सके। दोस्तों, वो जानकारी क्या है? तो दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी जानकारी जो लोगों की है वो ये है कि क्या ओबीसी वालों के लिए एज में छूट है। तो जी हाँ, ओबीसी वालों के लिए एज में छूट है। कितनी छूट है? वो जो पहले थी उनको 27 साल की उम्र तक उनको फॉर्म भरने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। एज उनकी 27 साल से ही तक काउंट की जा सकती है, की जाएगी। तो दोस्तों, 22 साल जो जनरल एज बताई गई है वो जनरल के लिए है। और जो उससे भी बड़ी गलती वो मिस्टेक करने वाले हैं आखिरी समय फॉर्म भरने वाले, वो क्या है? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, उस जानकारी के बारे में हम पूरी वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं फॉर्म भरने के तरीके के बारे में। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए, और मिनिमम एज 18, मैक्सिमम जनरल के लिए 22 यानी 22 साल होनी चाहिए। तो 18 से 22 साल जिनकी एज है जनरल वाले, वो फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ लोगों के ये सवाल थे कि आप पिछली भर्ती वाले भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो दोस्तों, पिछली भर्ती वालों के लिए इसमें वो जोड़े नहीं जाएंगे, वो फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं। उनको दोबारा से फॉर्म भरना ही पड़ेगा। वो पिछले भर्ती में जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनको इसमें नहीं लिया जा रहा है, वो अलग से फॉर्म भरते हैं तभी वो इस भर्ती के लिए अपीयर हो सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। तो जिन्होंने पिछली भर्ती में फॉर्म भरा था, वो इस भर्ती में फॉर्म भरें, उस भर्ती का इंतजार न करें। वो भर्ती सारी कोर्ट के निर्देशानुसार ही की जाएगी, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है, किसी भी तरह का उनका हस्तक्षेप नहीं है, ये कहा जा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो जो दोस्तों पिछली भर्ती में फॉर्म जिन्होंने भरा था, वो फॉर्म इस भर्ती में ज़रूर डालें जिनकी उम्र हो। हाँ, जिनकी उम्र ओबीसी में 22 से ज़्यादा है, वो भी फॉर्म को भरें, उनको पूरा मौका मिलेगा। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती में एससी वालों के लिए भी वही छूट जो पहले थी वही मिल रही है, मिलेगी भी, और एसटी वालों के लिए भी वही छूट मिलेगी। हाँ, एसटी वालों की हाइट में जो पहले छूट थी, हाइट में भी छूट उनको 160 ली जाएगी, जो पिछले पहले भी ली जाती थी। और जनरल वालों के लिए 161, ओबीसी के लिए भी 161, एससी के लिए भी 161 ही है। यानी उनकी हाइट में कुछ भी छूट नहीं मिलने वाली या नहीं मिलेगी, जैसा कि पहले भी भर्तियों में होता रहा है। तो दोस्तों, इस भर्ती में जो लास्ट का इंतजार कर रहे हैं वो फॉर्म अभी भर दें, और फॉर्म इसलिए अभी भर दें, फॉर्म भरने से पहले उनको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस भर्ती में उनका जो भी प्रमाण पत्र बने, कौन सा प्रमाण पत्र होगा, वो प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र जो भी बनेगा वो 31/4/2017 का होना चाहिए या उसके बाद का, उसके पहले का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं वो है प्रमाण पत्र को लेकर। तो दोस्तों, जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है और उनका प्रमाण पत्र भी नहीं बना है, तो वो पहले प्रमाण पत्र बनवा लें, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र वो पहले बनवा लें जो कि इस भर्ती में लगने वाला है। अगर वो आप जाति और निवास प्रमाण पत्र 31 अप्रैल 2017 के पहले का आपके पास रखा है, तो वो मान नहीं किया जाएगा। 31 अप्रैल 2017 के बाद का जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आप लोग फॉर्म भरने से पहले अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, जिससे कि आपको इस भर्ती के अंत में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इस भर्ती में अगर कोई दिक्कत होगी तो वो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र को लेकर होने वाली है। तो आप दोस्तों, आपको जाति व निवास प्रमाण पत्र अभी बनवा लेना है जिनका नहीं बना है। अगर वो इंतजार कर रहे हैं कि लास्ट में भरेंगे, तो वो लास्ट में भरें या पहले भरें, पहले तो वो अपने कागज़ डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लें, जिससे उन्हें भर्ती में आखिरी में कोई दिक्कत ना हो। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र को उनको बनवा लेना है और इस फॉर्म को पहले ही भर देना है, क्योंकि हमेशा
जब भी अधिकतर फॉर्म भरते वक्त आखिर के समय में सर्वर ज़्यादा बिजी हो जाता है, जिससे फॉर्म भरने में दिक्कत होती है और वो इस भर्ती से चूक भी जाते हैं। तो दोस्तों, आपको लापरवाही छोड़कर जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवा कर इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो यही होने वाली थी जात प्रमाण पत्र की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।